खबर राजधानी देहरादून के डोईवाला से है, जहां 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर थानो वन रेंज में पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजित कार्यक्रम में वन विभाग के तमाम अधिकारियों ने थानो वन रेंज में पौधे रोपे। इस दौरान वन विभाग के प्रमुख वन संरक्षक होप धनंजय मोहन ने बताया कि इस बार की प्रचंड गर्मी ने सभी को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है और जंगलों को बचाना बड़ी चुनौती है। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। इस साल गर्मी बहुत हुई है और मेरे विचार से सभी लोग इसको इस गर्मी ने एक तरह से चेताया है कि आगे आने वाला समय मुश्किल होने वाला है, और इस गर्मी से बचने के लिए और जो एक ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसमें जो हमको कार्बन के उत्सर्जन को बैलेंस करना है उसके लिए पेड़ लगाने से बेहतर कोई काम हो ही नहीं सकता है। मतलब पेड़ के तो हमेशा से बहुत फ़ायदे रहे हैं, लेकिन ये एक नया आयाम आया है पेड़ों के बारे में, जो कि कार्बन उत्सर्जन से जो वैश्विक टेम्परेचर बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पेड़ों को लगाना बहुत आवश्यक है। और इस बार वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में इसी थीम पे लोग बहुत काम कर रहे हैं और हमारे प्रदेश में भी इसको बहुत वरीयता दी जा रही है। अभी आधे घंटे पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक समाप्त हुई जिसपे इस पर विस्तृत चर्चा हुई, और जो हमारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम है उसमें जन सहभागिता को हासिल करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए इसी पे चर्चा हुई है। और इस बार यही हमारा विचार है कि जन सहभागिता हम बहुत अधिक लेवल पे करें और हर जगह पे जन सहभागिता से वृक्षारोपण करें। और वृक्षारोपण के अंतर्गत वन विश्राम भवन में हमारे प्रमुख वन संरक्षक महोदय के द्वारा यहाँ पे सभी उच्च अधिकारियों के द्वारा बरगद के पौधों का वृक्षारोपण किया गया है। तो इस टाइम विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमारी जो थीम थी इस बार आवर लैंड आवर फ्यूचर, तो इसी के अंतर्गत हमने जो है यहाँ पे 50 पौधे बरगद के पौधों का वृक्षारोपण किया है और पूरे कैंपस में वृक्षारोपण किया है। इसी तरह हम जगह जगह बरगद और पीपल और ये फाइकस के पेड़ों का